दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो Facebook के न्यू फीचर्स के बारे में। और गाइस इसके साथ साथ बताऊंगा अगर Facebook से कोई मैसेज, अगर कोई बंदे ने आपको कोई मैसेज काटते हैं और आपके देखने के पहले उस बंदे ने उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, तो गाइस उस मैसेज को फिर से कैसे देखेंगे। तो गाइस हाउ टू रिकवर फेसबुक डिलीट मैसेज। तो गाइस आज के इस वीडियो में बताऊंगा फेसबुक के न्यू फीचर्स के बारे में और डिलीट हुई मैसेज को कैसे फिर से देख सकेंगे और टिप्स बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं हूं आपके साथ सुरजीत और आप देख रहे टेन गर्ल्स सुरजीत चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज करते वक्त अगर आपने गलती से कोई मैसेज, वीडियोस, फोटोज वगैरह कुछ भी दूसरे बंदे को गलती से सेंड कर दे तो गाइस व्हाट्सएप पर ऐसे जो फीचर्स अवेलेबल है वो मैसेज को हम लोग यहाँ से बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते और बहुत ही आसानी से यहाँ से जो रिकवर भी कर सकते दूसरे वाला एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है गाइस। ये मैसेज को हम लोग यहाँ से रिकवर भी कर सकते। तो गाइस यहाँ पर देखा देते हो गाइस डिलीट फॉर एवरीवन करके हम लोग ये फीचर्स के बारे में सभी लोगों ने जानते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस जो डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन आ रहा है ये मैसेज एक्चुअली यहाँ से चैटिंग से रिमूव हो गया, ठीक है गाइस। तो इस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में नहीं, एक फेसबुक के मैसेंजर के एक न्यू फीचर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिए। तो इस पहले मैसेंजर को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाइए और ये मैसेंजर वाला जो एप्लीकेशन है इसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है। न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए, इसके बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद तो गाइस तुम ऐसे देख सकते हो गाइस व्हाट्सएप की तरह फेसबुक मैसेंजर ने भी उसके एक फीचर्स लॉन्च कर दिए है मैसेंजर एप्लीकेशन पर। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पहले प्ले स्टोर पर जाना है और मैसेंजर एप्लीकेशन को आपको न्यू वर्जन में अपडेट करके लेना है, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको देखिए गाइस अगर तुम मैसेज करते हुए कोई गलती से कोई मैसेज दूसरे बंदे को सेंड कर देते हो तुम ऐसे उस मैसेज को रिमूव कर सकते हो मैसेंजर से, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक प्रूफ देखा देता हूँ गाइस, ठीक है, कैसे रिमूव करोगे उस मैसेज को। ये मैसेज मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस मैसेज के ऊपर टच करना है, ठीक है। मैसेज के ऊपर टच करना है और टच करने के बाद ही ये रिमूव ऑप्शन आ जाएगा। रिमूव ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपको रिमूव पर क्लिक करके देना है। रिमूव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो वाला ऑप्शन आ रहा है, रिमूव फॉर एवरीवन, रिमूव फॉर यू। अगर तुम रिमूव फॉर यू करते हो, क्लिक करते हो, रिमूव फॉर यू पे क्लिक करते हो तो मैसेज आपके पास से डिलीट होगा और उसके पास से डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम रिमूव फॉर एवरीवन करते हो तो गाइस ये मैसेज आपके पास से भी डिलीट हो जाएगा और उसके पास से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रिमूव फॉर एवरीवन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो रिमूव ऑप्शन आ रहा है और एक यू विल रिमूव परमानेंटली रिमूव दिस मैसेज, इसलिए आपको क्या करना है, रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करके मैसेज को यू रिमूव दिस मैसेज, ये मैसेज एक्चुअली आपके पास से भी डिलीट हो जाएगा और उसके पास से भी डिलीट हो जाएगा मैसेज, ठीक है। ये वाला था जो न्यू एक फीचर्स, ठीक है, व्हाट्सएप पे तरह जो फेसबुक मैसेंजर ने भी एक फीचर्स लॉन्च कर दिया है। तो गाइस हम जानेंगे और एक जो ट्रिक्स, ठीक है गाइस। दोस्तों अगर कोई दूसरा बंदे ने आपको कोई मैसेज सेंड करके फेसबुक मैसेजर पर कोई मैसेज सेंड करके वो मैसेज को आपको देखने के पहले वो मैसेज को उस बंदे ने डिलीट कर देते हैं तो गाइस उस मैसेज को फिर से कैसे देख सकते हैं गाइस, ठीक है। इसलिए आपको प्ले स्टोर से एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐप डाउनलोड करना होगा जिस ऐप का नाम है नोटिस स्टोरी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो गाइस ये वाला मैसेज उस बंदे ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। चलिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ, ठीक है। आपको नोटिस स्टोरी आपको डाउनलोड करके रखना होगा आपके डेविस फोन पर, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो गाइस ये सभी डिलीट हुई मैसेज उस बंदे ने डिलीट कर दिया था, लेकिन मेरे पास सभी मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है गाइस। आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके लेना होगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे नोटिस स्टोरी ऐप को आपके डिवाइस पर कैसे एक्टिव करोगे, ठीक है, और कैसे आपके डिलीट हुई मैसेज को कैसे फिर से देख सकते हो गाइस, वो ट्रिक्स तो देखिए। दोस्तों अगर तुम साथ में डिलीट हुई मैसेज को फेसबुक मैसेज से डिलीट हुई मैसेज को देखना चाहते हो, इसलिए आपको क्या करना होगा, नोटिस स्टोरी ऑल नोटिफिकेशन एट ए ग्लेंस वाला एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके रखना होगा आपके डेविस फोन पर, ठीक है। चलिए ओपन करके लेते हैं। इसके बाद कैसे नोटिफिकेशन वाला एप्लीकेशन को जो एक्टिव करोगे आपके डेविस फोन पर, चलिए गाइस मैं दिखा देता हूँ। टू रिसीव इन ए ऐप नोटिफिकेशन, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट ऐप रखना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर जितने सारे जो एप्स होंगे सभी एप्स यहाँ पर सर्च हो रहा है नोटिफिकेशन एप्लीकेशन पर, यहाँ पर 100% हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फेसबुक और मैसेंजर को ऐसे चूज करके लेना है, ठीक है। फेसबुक मैसेजर को ऐसे चूज करके लेना है। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑल पे नहीं, ओनली सेव पे क्लिक करके देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये वाला एप्लीकेशन को आपको ऑटोमेटिक ऑटो स्टार्ट करके रखना है, ठीक है। आपको बैक करना है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है, आपको सिलेक्ट करके लेना है। इसके बाद आपको स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करके देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको परमिट पे क्लिक करके देना है, ठीक है। परमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो परमिट ड्यूरिंग ओवर अदर एप्स इस पे आपको अलाउ करके देना है, ठीक है, परमिशन को अलाउ करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो नाइस टू मीट यू जो एक्चुअली ये वाला एप्लीकेशन नोटिफिकेशन वाला एप्लीकेशन आपके डेविस फोन पर ऐसे करके जो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगर कोई मैसेज गलती से उस बंदे ने डिलीट कर देते वो मैसेज वाला आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर तुम गलती से दूसरे बंदे को दूसरे लोगों को मैसेज करके वो मैसेज 10 मिनट के बाद डिलीट करने जा रहे हो, देखिए तो मैसेज 10 मिनट के बाद डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ओनली आपके पास से डिलीट होगा, डिलीट फॉर एवरीवन का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल लो गाइस 10 मिनट के अंदर वो मैसेज को गलती हुई डिलीट हुई मैसेज को डिलीट कर दीजिए आपके मैसेज से। ठीक है, तो देखिए नोटिस स्टोरी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, नोटिस स्टोरी एप्लीकेशन से अगर तुम रिकवर करना चाहते हो फेसबुक का डिलीट हुई मैसेज को, जिस बंदे ने तुमने मैसेज कर रहे और आपके मैसेज देखने के पहले वो बंदे ने मैसेज को डिलीट करके दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप उस मैसेज को देखना चाहते हैं इसलिए नोटिस स्टोरी एप्लीकेशन को यूज करिए। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियोस जो लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही, चलते फिर और एक वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम।